एयरपोर्ट को लेकर है कि जो भी लोग कुवैत के अंदर आते हैं उनके लिए स्पेशली है। तो इजिप्ट से एक एक्सपर्ट आ रहे थे कुवैत के अंदर काम करने के लिए, मतलब वो फरमानिया के अंदर काम करते हैं। उनका एज जो है वो 30 ईयर है, मतलब 30 साल का है, और वो फरमानिया के अंदर सेल्समैन का काम करते हैं। तो उनको एयरपोर्ट के अंदर इसलिए पकड़ा गया है, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 135 ग्राम नार्कोटिक्स इन्होंने अपने पैंट के अंदर छुपा के रखा था, और छुपा के ऐसा रखा था कि किसी को पता नहीं चले, क्योंकि उन्होंने अपने पैंट को सिलवा रखा था और उसके अंदर 135 ग्राम भांग रखा था। लेकिन वो पकड़े गए क्वैत अथॉरिटी की तरफ से। मैं आपको बता दूं, जो भी क्वैत के अंदर आने वाले हैं किसी भी टाइप का कोई भी मेडिसिन या किसी भी टाइप का कुछ भी ना लेकर आए, जिससे अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आपको तो पूरी लाइफ आपको एंट्री नहीं मिलेगा क्वैत के अंदर। साथ ही साथ 5 साल के लिए आप किसी भी GCC कंट्री के अंदर नहीं जाते हैं, मतलब जितना भी गल्फ कंट्री है जैसे UAE, कतर, बहरेन, ओमान, सऊदी, इन सारे कंट्री के अंदर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो आने से पहले आप किसी भी टाइप का कोई भी मेडिसिन या कुछ भी ऐसा लेकर ना आए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आने वाले हैं इन सब बातों का ध्यान रखें। ओके, चलिए बात करते हैं क्वैत की दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट के अंदर ये है, ये जो अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से आया है कि जितने भी लोग जिन्होंने दोनों डोज अपना ले रखा है बूस्टर का, उनको थर्ड डोज लेना पड़ेगा बूस्टर का। उसके लिए किसी भी जगह अपॉइंटमेंट लेने का या रजिस्ट्रेशन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑफलाइन मिलेगा थर्ड डोज बूस्टर का। कुवैत के अंदर 18 ऐसा लोकेशन है कुवैत के अंदर जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पे जाके आप अपना थर्ड डोज ले सकते हैं बूस्टर डोज का। और जितना भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे आपको 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको वैक्सीन मिलेगा। इसी के अंदर दूसरा अपडेट ये है कि अगर आपने दूसरे कंपनी का वैक्सीन अगर दोनों डोज ले रखा है और वो 6 महीना से ऊपर हो चुका है, मतलब मान लो आपने कोविशील्ड लिया है और आपको कोविशील्ड सेकेंड डोज लिए हुए ऑलमोस्ट 6 महीना से ऊपर हो चुका है, तो आप थर्ड डोज ले सकते हैं बूस्टर डोज का। ये अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जितने भी कुवैत में रहने वाले हैं सबके लिए। ओके, तो आपने कौन सा वैक्सीन लिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं कुवैत की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में। तो तीसरी अपडेट के अंदर ये है, जैसा कि आपको पता होगा कि कुवैत के अंदर एक इस्लामिया जगह है, एक लोकेशन है, वहां पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो तीनों एशियन थे, मतलब एशिया के अंदर नेपाल कंट्री से थे, और ये तीनों को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि ये अवैध, मतलब कानूनी या फिर इलीगल काम कर रहे थे कुवैत के अंदर। और वो इलीगल काम ये कर रहे थे कि इन्होंने अपना फैक्ट्री खोल रखा था शराब बनाने का कुवैत के अंदर, इसीलिए जहरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको पकड़ा गया है और तीनों पे बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी कुवैत के अंदर रहते हैं खासकर उन लोगों से अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो इस टाइप का काम बंद कर दे, क्योंकि सबसे पहले तो इलीगल काम करना ही गलत बात है। तो सबसे पहले इन सब चीजों से बचे, और साथ ही साथ कुवैत के अंदर फ्रेश कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके वजह से जितना भी गलत काम हो या छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो प्लीज आप सब लोग इन सब चीजों से दूर ही रहें। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कुवैत का जो फ्लाइट का रेट है वो अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ेगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट है सारे फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके वजह से अब जो है इंडिया से कुवैत जाने का जितना भी फ्लाइट है उसमें ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार बढ़ गया है। मतलब पहले जो रेट था आज से 3 दिन पहले 12 हजार से लेके 24 हजार तक इंडिया से हर एक स्टेट से आपको कुवैत के लिए इतना ही प्राइस आता, मतलब 12 हजार से लेके 24 हजार तक। लेकिन अभी का जो प्राइस रेट है फ्लाइट का वो 24 हजार से लेके लगभग 50 हजार तक पहुंच चुका है जितना भी फ्लाइट है जितना भी स्टेट से इंडिया से कुवैत में आने के लिए। तो दिसंबर का जो फ्लाइट का रेट है वो क्या है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की पांचवी अपडेट के बारे में। तो पांचवी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्रधानमंत्री है वो कुवैत के अंदर आ रहे हैं फरवरी तक, मतलब जनवरी के लास्ट तक आपको मैंने बताया। तो इसके ऊपर एक नया अपडेट ये आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी कुवैत के अंदर पहले सप्ते के ही अंदर आ रहे हैं 2022 के अंदर। तो जितने भी इंडियन रहते हैं कुवैत के अंदर, ऑलमोस्ट 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इंडियन हैं और वो कुवैत के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसी के ऊपर एक नया अपडेट ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा दूसरी बार हुआ कि इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो कुवैत के अंदर आएंगे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, ये आए थे कुवैत के अंदर 1981 में, और ये इंडिया की पहली पीएम थी, मतलब पहली प्रधानमंत्री थी जो कुवैत के अंदर आई हुई थी 1981 में। और जो दूसरा प्रधानमंत्री होगा जो कुवैत के अंदर आएंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी जी। तो टोटल 41 साल बाद कुवैत के अंदर हमारे जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो आएंगे विजिट करने के लिए, वो होंगे दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस पे आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएं, आप लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए या नहीं है, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ओके, चलिए बात करते हैं कुवैत की 6th अपडेट के बारे में। तो 6th अपडेट के अंदर ये है, ये जो अपडेट है कुवैत वीजा के ऊपर है, और साथ ही साथ जितने भी लोग जो बिजनेसमैन है उनके लाइसेंस के ऊपर है, मतलब उनके दुकान के लाइसेंस के ऊपर है। कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वर्क वीजा निकलना कितना मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड वीजा है, और मैंने आपको इसके ऊपर बहुत सारा अपडेट ऑलरेडी दे रखा है। और जो बिजनेसमैन है कुवैत के अंदर उनको भी लाइसेंस नहीं मिल रहा है बिजनेस करने का, मतलब दुकान खोलने का। तो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि जितना भी इशू है सारे इशू पे डिस्कस किया जाएगा, जल्द ही इसके ऊपर एक नया अपडेट मिलेगा पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से, क्योंकि बहुत सारा वीजा का एप्लीकेशन जमा हो चुका है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के अंदर, जिसके वजह से इसके